तो यहाँ पे एक दीदी है जो बकरी चरा रही है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने लेपर्ड यहाँ पे देखा हुआ है, अक्सर बकरी चराते हुए दिख भी जाता है। तो दी, आपने देखा है कभी लेपर्ड? किधर? उस पार रहते हैं। तो देख रहो बकरी के डैम में कितना नीचे जाके रिस्क लेना पड़ता है। ये मेरे 500 भैया लोगों ने देखा है अक्सर लेपर्ड, वहाँ के बता रहे गुफा है उसकी है। हाँ, तो उसी साइड देखा गया है कभी, काफी टाइम है। हाँ, वो उसी साइड वहीं पे बैठते हैं। सही से पुरातत्व विभाग से हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं। तो ये मंदिर जो है 1100 साल प्राचीन मंदिर है, ये कत्यूरी नरेश कटारमल द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ से जो सामने से होल दिख रहा मंदिर में, यहाँ से सूर्य की पहली किरण अंदर जाती है। तो गैस जिस होल की ही बात कर रहे थे वो ये है, और सामने मंदिर है, तो सबसे पहले का सूर्य प्रकाश यहीं से जाता है आगे। तो यार मतलब हमारे सुबह की साइडिंग तो अच्छी हुई, कितना मस्त लग रहा था किधर। तो गाइस स्वागत है आपका गुलदार वैली से, मैं आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांकर खुलबे स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो दोस्तों अभी हम नदी के साइड में उतरे हुए हैं, उसका रीज़न है मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट स्पॉट हुआ एक आउल जो कि मतलब इस एरिया में है। तो अभी जस्ट मैंने अपने जूते वगैरह उतार लिए जैसे आप देख सकते हैं, और अब मैं थोड़ा चलूँगा इसकी तरफ, पानी की तरफ, ज़्यादा गहरा नहीं है पानी, तो इसलिए हम थोड़ा सा चलेंगे उसमें और आपको दिखाते हैं। जो आउल है ना काफ़ी बिग साइज है, तो चलते हैं। मैं इधर से आ जाऊं? उधर जा, ये मारो ना उसमें, घूम रहा है इधर उधर। और गाइस किस्मत इसे कहते हैं यार, जस्ट हमें हमारे पास आ गया और ये जा रहा है उड़ते हुए। तो गाइस हम सोच ही रहे थे कि कैसे ये देखा जाए, और हमारे सामने यार जब इसने दर्शन दिए ना, सुंदर मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हमारी साइटिंग हुई और मज़ा ही आ गया एक तरफा। तो यार मतलब ये बात होती है कि बर्ड वॉचिंग करने का ना जो मज़ा है, और नेचर के बीच में किस जगह में हम आए थे, और हम यहाँ पे जस्ट सोच ही रहे थे कि कैसे आगे जाना है, क्योंकि रास्ता पूरा हुआ है कि पानी से जाता है और बहुत ही ठंडा फ्रीजिंग है, और उसने हमें ज़्यादा कष्ट देने की नहीं सोची और इसी पहाड़ में आके बैठ गया। तो बहुत ही मज़ा आ गया इसकी साइटिंग करके, एकदम दिल खुश हो गया। क्यों, कैसा लगा तुझे वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बढ़िया, वास्तविक सुंदरता दिखी उसकी हमें, इतना मतलब चमकदार था एकदम, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी हम कोशिश करते हैं, अगर हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाए उसकी तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ए गाइस, तो अभी हम जस्ट गुलदार वैली से थोड़ा सा विलेज की तरफ चल रहे हैं एक वॉक पे, क्योंकि यहाँ पे यार काफ़ी स्टोरी है, तो कोशिश करते हैं लोगों से उनके बारे में, लेपर्ड के बारे में जानने की, हकीकत में यहाँ लेपर्ड्स की साइटिंग कैसी है और किस टाइम देखा जा सकता है, विंटर का टाइम बेस्ट है या समर का टाइम बेस्ट है, और जो उसकी ट्रेल है जहाँ पे अक्सर माना जाता है कि लेपर्ड दिखता है उसके आसपास एक विलेज का एरिया भी है, तो वहाँ जाके हम आपको दिखाने वाले हैं विलेज, और वहाँ से जो व्यू होगा ना वो तो बहुत तगड़ा देखने लायक होगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है। और साथ में अपना भाई दीक्षु, हेलो, दान के तैयार हैं हम, और साथ में कैडा जी। कैडा जी यहाँ रहते हैं, तो कैडा जी से भी पूछते हैं, कैडा जी आपने अक्सर देखा होगा लेपर्ड, तो कितने बार आपने देखा हुआ है? दो बार देखा।
तो कभी आमने सामना हुआ है वैसे? हाँ, आमने सामना। कैसे? हम बाइक से जा रहा था। हाँ, तो सामने ही पैराफिट से नीचे को निकल गया। अरे, और यहाँ पे कहीं आसपास भी आप बता रहे थे कि पहाड़ में देखा जाता है? हाँ, यही सामने आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे के पहाड़ी के टॉप में कई बार लेपर्ड वहाँ पे बैठा हुआ दिख जाता है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं गुलदार वैली के एरिया में, थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाने। तो चलते हैं, आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो यार यही रास्ता जा रहा है और नीचे रिवर के लिए भी यही जाता है। और यहाँ से पतली सी ट्रेल है जो आके विलेज से जोड़ती है। तो जो ये सामने वाली पहाड़ी है ना, तो अक्सर लोगों से हमने यही सुना कि इस एरिया में दिख जाता है और वहाँ कहीं झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ होता है। और उसकी डैन टाइप की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुफाएं भी है जिसके आसपास कई लोगों ने देखा है। और बाकी तो अभी हम जाके चेक करते हैं। समर में ये जगह तो फुल रहती है, लोग नहाने वगैरह के लिए आते नहीं। वो आगे पुल में जाना है हरे वाले पे। तो यहाँ पे एक दीदी है जो बकरी चरा रही है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने लेपर्ड यहाँ पे देखा हुआ है। अक्सर बकरी चराते हुए दिख भी जाता है। तो दी, आपने देखा है कभी लेपर्ड? किधर? उस पार रहते हैं। तो अभी दिख सकते हैं? कभी दिखते हैं, कभी नहीं। तो वैसे कभी किसी पर अटैक तो नहीं करते? जानवरों में करते हैं, इंसानों में कभी? अच्छा, ऐसा अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है ना? ठीक है। तो देख लो बकरी के डैम में कितना नीचे जाके रिस्क लेना पड़ता है। अरे कुछ भी काम करो, कुछ भी मेहनत करो, रिस्क तो लेना भी ना, रिस्क तो कुछ काम होता है। ये भी सही बात है। तो आप जब रिस्क ले रहे हो तभी तो ये भी बना रहे हो ना। हाँ। तो आप ये बताओ, ये शाम के टाइम में कितने बजे आप लोग घर चले जाते हो? हाँ, मतलब अंधेरा होते ही बोलते कि बाघ आ जाता है। किस साइड? अच्छा, नहीं ईद बाप का। अच्छा, और गाइस ये व्यू देखिए यार, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है ना, ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग एक बार जरूर आना यहाँ पे अगर आप। तो हम, आप कब से रह रहे हो इस एरिया में? तो साल ही ना है यहाँ। 8 साल है रहे हैं भाई। 8-9 साल है अपना। अच्छा, रोटी का पहली गांव जो बुढ़ी यहाँ रुचिया। अच्छा, उधर गुजरी पाया हमने। अच्छा, गो कहाँ भाई? गो बीक बाघ ला रहा हूँ यहाँ। मतलब चिलो खाड़े बेरे उठे जान जानू नहीं। अमा जी, माता जी कह रही हैं कि बाग लगा है यहाँ इस एरिया में। मतलब जो आप देख रहे हो सामने वाला इलाका ना, जाऊन खोखा गया। अरे यहाँ जाने चाह और भोजन पटरी भर गई नहीं। यार तुमने जेठे जाया, मुझे पंजे कहे भागो।
सही बात है, सही बात है। क्या बोल? तो माता जी कह रही हैं कि आराम से जाना देखते हुए, क्योंकि लोगों को दिखता भी है कई कबार, और कह रही है कुछ दिन पहले मतलब लगभग एक दो हफ्ते पहले इसी यहीं वो बच्चे हैं, मतलब वो पहले कब से रहे होंगे, उनकी माता माँ उनको उनकी जो माँ होगी बागिन जैसे कहेंगे, उन्होंने छोड़ दिया होगा, आप एरिया बट गए होंगे उनके आपस में, और उन्हें शिकार करने की प्रवृत्ति उतनी अच्छे से उनमें अभी घटित नहीं हुई है, तो इस कारण से मतलब छोटे जानवरों को बछिया हो गई, गाय की या बकरियां हो गई, तो इन सब चीज़ों को उठाने की कोशिश करता है ज़्यादातर, ये महाराज जी का कहना। अब उसको क्या होता है ना, उसको सामने से देखना नहीं होता, लेपर्ड को अगर दिख भी जाए ना उसको वो चुनौती मानता है, फिर अटैक कर देता है। उसको थोड़ा ये है कि हाथ ऊपर करके ना बड़ा दिखाना हुआ अपने को और चिल्लाना हुआ, उसकी आंखों में आंखें नहीं डालनी हुई, मतलब लेपर्ड अगर दिख भी जाए तो। और गाइस बेसिकली लेपर्ड वैसे साय प्रवृत्ति का होता है, अगर वो आदमखोरनी है तो वो इंसानों से उतना ही दूर भागता है जितना हम इंसान जंगली जानवरों से। बस आप जो गांव का रास्ता या कोई रास्ता है पगडंडी है उसी पे चलिएगा, अगर उससे अट झटके कहीं जंगल की तरफ घुस गए, उसके आराम करने की जगह घुस गए, तो फिर वो आप पे भी अटैक कर सकता है। कैमरा तो है हमारे पास बड़ा वाला, होगा तो दिख जाएगा। तो यार अभी एक भैया मिले हुए हैं जो यहीं गांव में रहते हैं, तो भैया से पूछते हैं क्या हाल है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा दीपांशु। दीपांशु जी, हाँ। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ हाँ। तो आप तो अक्सर मतलब यहाँ पे लेपर्ड देखते रहते होंगे? हाँ। तो कितने बार दिखा आपको? मेरे को कम से कम 8-9 बार दिख गया। तो कभी कुछ मतलब डर सा नहीं लगा या फिर अटैक? अटैक तो करता है फिर भी, इंसानों में करता है अटैक, एक ही इंसानों में करा अभी तक। अच्छा, इस एरिया में कब किया वो? वो हो गया 1.5 साल हो गया करीबन। तो आपको कैसे देखा, पास में या दूर से? हमने पास में भी देखा, दूर में भी देखा। तो उसने कुछ दो बाघ पकड़े चुके हैं अभी तक। अच्छा, प्रतिक्रिया भी करी उसने कुछ? ये तो कुछ नहीं करा, मतलब देखा तो कुछ अटैक वगैरह करने की कोशिश की? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करता। अच्छा, मतलब चुपचाप देखते रहता वो। हाँ। ठीक है। और गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ से व्यू है, तो यहाँ पे देवदार और चीड़ के पेड़ है, ज्यादातर चीड़ है यहाँ पे। तो वैली अरे दीपांशु भैया लोगों ने देखा है अक्सर लेपर्ड, वहाँ के बता रहे गुफा है उसकी है। हाँ। तो उसी साइड देखा गया है कभी, काफी टाइम है। हाँ, वो उसी साइड वहीं पे बैठते हैं ज्यादातर। तो थोड़ा सा आगे से आपको दिखाते हैं, हम आउटलेट मिला है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और गाइस अभी हमें यहाँ पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिससे थोड़ा लग रहा है कि मतलब ज़मीन खोदी गई होगी। और ये देखिए, मतलब कोई छोटे मोटे जानवर का काम नहीं हो सकता है ऐसे ज़मीन खोदना, हो सकता है कि लेपर्ड ने अपने पांव नाखून घिसने के लिए कर रखा है। ये नीचे लेग के साइड से। और गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, और इसी एरिया में बताया जा रहा था कि लेपर्ड की डैन यानी कि मतलब गुफा है जहाँ पे ये अक्सर देखा जाता है और सोता है। तो मतलब यहाँ खड़े होके एक अलग ही गूस बम्स है, पूरी कोशिश हो रही है कि हमें आंखों से दिख जाए। और अभी यहाँ पे इस पर बैठा हुआ है उस पेड़ पे जिसको हम अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये कुछ ऐसा इलाका है।
तो अभी हम शाम को निकलेंगे वैसे नाइट सफारी में, तो हो सकता है कि मतलब अगर इसका ये डैन वाला एरिया तो वो ब्रिज है उस साइड पे हम कहीं पे ट्रेस करेंगे उसको, अगर देखिए अगर हो पाया। कल तो हमें नहीं दिख पाया था नाइट में, लेपर्ड कैट दिखी थी लेकिन, और लेकिन आज पूरी हम ट्राई करेंगे। तो ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आउटलेट, लग रहा है किधर यार। यहाँ अभी हमें आउटलेट की बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स और वीडियो मिली, और जो ये एरिया था यहीं पे लेपर्ड का डैन है, लेकिन हमें दिखा नहीं, हो सकता है कि वो लॉन्ग रेकी या फिर मूवमेंट में गया होगा। अक्सर जब शिकार नहीं मिलता है तो खोज में बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं और कहीं के बीच में जगह में विश्राम करते हैं, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन हम अभी शाम को ट्राई करेंगे। तो अभी हम इस लोकेशन से चल रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों को आगे की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय। बस कुछ घंटे तक ही आए, उसके बाद गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये जगह बन जाती है घोस्ट विलेज। और गाइस अभी शाम का वक्त था तो हमने सोचा कि क्यों ना सन टेंपल, सूर्य मंदिर, कटारमल भी होके आते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, तो यहां से हम एंट्री कर रहे हैं सबसे पहले। तो गाइस अभी जस्ट हमने यहां पे एंट्री वगैरह ले ली है, लेकिन 6 बजे तक ही यहां पे ओपन रहते हैं, उसके बाद क्लोज हो जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4:45, और यहां से मतलब 3300 मीटर का पैदल रास्ता है, और थोड़ा उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। कटारमल सूर्य मंदिर, यह सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है। और गाइस कुछ ऐसा व्यू है, तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, ऊपर देख सकते हैं आप सन मंदिर है, सन टेंपल, और ये कुछ यहां से व्यू है। तो यार थोड़ा सा चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं सन टेंपल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट है, जो कि कह सकते हैं संरक्षित स्मारक स्थल है। तो गाइस अभी हम सन टेंपल में हैं, और जो यहाँ पे गुरुजी हैं तो उनसे हम समझते हैं इस मंदिर के बारे में, और जो यहाँ की विशेषता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम? दयाल सिंह बिष्ट। बिष्ट जी आप यहाँ पे मतलब हैं तो? हाँ, मतलब ईसाई से पुरातत्व विभाग से हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं। तो ये मंदिर जो है 1100 साल प्राचीन मंदिर है, ये कत्यूरी नरेश कटारमल द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ से जो सामने से होल दिख रहा मंदिर में, यहाँ से सूर्य की पहली किरण अंदर जाती है उत्तरायण और दक्षिण में, 22 फरवरी 22 अक्टूबर को मेन किरण अंदर जाती है सूर्य होकर। अच्छा, ये सूर्य मंदिर
पहला नंबर उड़ीसा कोणार्क है, दूसरा नंबर कटारमल। दो ही सन टेम्पल है ना? दो ही सन टेम्पल है, ऐतिहासिक सन टेम्पल। अच्छा, तो उस टाइम में जैसे फरवरी के टाइम में उत्तरायण और दक्षिणायण में काफ़ी भीड़ रहती है, सुबह आते लोग देखने के लिए। अच्छा, तो मतलब कितना टाइम लगता होगा, लाइन वगैरह कितनी? लाइन तो नहीं लगती है, जो जो लोग आ पहुँच सकते हैं सुबह के टाइम। कितने बजे का टाइमिंग रहती है सुबह के टाइम में? आपसे फरवरी में या मान के चलो 6:30 के आसपास, 6:30 के। तो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब फर्स्ट किरण मंदिर में जब भी आपको दिखाई देगी अंदर जाते हुए। अच्छा, बहुत बड़ी चीज़ है, और काफ़ी आप देख सकते हैं कि पुराना मंदिर है, 1100 साल पुराना मंदिर है। अंदर जो है सूर्य भगवान की मूर्ति है, माता महिषासुर मर्दिनी है, शिव है, पार्वती है, विष्णु है, गर्भगृह के अंदर जो है बड़ा दित्य का स्थान है। जी जी, ठीक है बिष्ट जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय। तो गैस, ये वो सुंदर सी जगह है सूर्य मंदिर कटारमल, जो कि अल्मोड़ा के पास है, तो अल्मोड़ा से कुछ ही किलोमीटर की डिस्टेंस में होगा, तो आप लोग भी आके विजिट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो यार गाइस, तो सन टेम्पल में हमने दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम जा रहे हैं, क्योंकि एडवेंचर अपना जस्ट स्टार्ट होने वाला है, जो हमने आपको बताया था नाइट सफारी, आज हम फिर ट्राई करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कहता है आज का लक। आज का लक देखो, देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मतलब कल तो, हम पूरा कल तो काफ़ी अच्छी साइडिंग रही, मतलब लेपर्ड कैट दिख गया था, फिर एक रैबिट भी दिख गया था, और आज का दिन भी अच्छा गया, बर्डिंग के लिए हमने काफ़ी चीज़ें देखी आज, काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हमें दिख गई, और सन टेम्पल में भी आके बहुत अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं आज क्या होता है लक। और गाइस, थोड़ा सा आगे ही आए थे, और हमें यहाँ पे हिमालयन ग्रिफन यानी कि हिमालय वल्चर दिखा है, और यार आप नज़ारा देखो यार, मतलब जो लाइट आ रही है ना, वे एकदम पिंक गुलाबी रोशनी में तो अलग ही व्यू आ रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी फॉरेस्ट फायर हो रखी है। और यहाँ देखिए गाइस, मतलब कैमरे में और नेचुरली तो अलग ही है यार, नेचुरली जो दिख रहा है ना अभी का व्यू, मैं बयान नहीं कर सकता आप लोगों के सामने। और जो हमने यहाँ पे अभी फोटो लिए वो मैं दिखाता हूँ, ये है आप देख सकते हैं हिमालयन वल्चर, जिसकी फोटोग्राफ्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। किस साइड लगाएंगे जी इसका? सफारी तो स्टार्ट कर दी है, नाइट ड्राइव, सर्चिंग ऑफ द घोस्ट ऑफ द जंगल। नहीं जी, अरे उतरो मत यार, ले साथ में चलो इकट्ठे, ये भारी तो बैठा कहानी। ये देख, ये कौन सी है? ये तो
गया और वो नहीं है।